अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खबसा, जो कि एक अरबिक रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए चिकन। इस चिकन के ये 1 kg चिकन है और 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं बड़े बड़े, ठीक है, 4-5 आप बड़े बड़े पीसीस कर लें इसके। और ये चाहिए आपको। उसके बाद आपको चाहिए टमाटो पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए प्याज चॉप की हुई। उसके बाद आपको चाहिए गाजरें, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया था। और उसके बाद आपको चाहिए अदरक। उसके अलावा जो मसाले चाहिए आपको, ये है खबसा मसाला जो कि मैंने बनाया है पीस के, दालचीनी को, काली मिर्च को, उसके बाद ज़ाफ़रान डलेगा इसके अंदर। और उसके बाद आपको चाहिए नमक और गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए इलायचियाँ मैंने 2 ली हैं। और उसके साथ आपको चाहिए लीमू, ये मैंने फ्रेश लीमू लिया है। आमतौर पर इसमें दूसरा लीमू यूज़ करते हैं जो ड्राइड होता है, लेकिन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रेजिन्स मैंने ली हैं 2 टेबल स्पून। उसके अलावा आपको ऑयल भी चाहिए। इसके अलावा मैंने जो चावल है, मैंने 3 ग्लास चावल भिगो के रखे हुए हैं, साफ़ करके इनको अच्छी तरह से धो के ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सब इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले आपने इसमें ऑयल डालना है अपने, ये मैं एक बड़ा वाला पतीला यूज़ कर रही हूँ, आप जितना चाहें यूज़ कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा बड़ा पतीला यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डाला आपने इसमें, मैंने इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला था, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये जो प्याज लिया हुआ था मैंने, इसको मैंने चॉप किया हुआ था, अच्छी तरह से अब मैंने इसको ब्राउन करना है प्याज को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाफ ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक आप ज़रूर डालें जब भी आप गोश्त वगैरह पकाती हैं, तो इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं इसमें नमक और ज़ाफ़रान मैंने खब्ज़ा मसाले में भी डाला है, थोड़ा सा इसमें भी डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें जो दालचीनी है वो डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लौंग वगैरह, काली मिर्चें, और ये जो मेरा गरम मसाला है वो डाल दिया, इलायचियाँ भी डाल दी। ये सब चीज़ें आपने इसमें भी डालनी है साबुत, और पीस के भी रखनी है, ठीक है। पीस के आपको खबसा मसाला बनाना है इन सब चीज़ों को, और वो मैंने पीस के रखा हुआ है। और तकरीबन कह लो 3 टेबल स्पून आपने वो लेना है खबसा मसाला। अब जो मेरे प्याज हैं वो ब्राउन हो गए, इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन के बड़े बड़े पीसेस लेने हैं आपने, ये इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। चिकन डाल दी मैंने इसमें, अब इसको भी मैं चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी इसको भी इसके अंदर ही। कि चिकन के पीसेस बड़े होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा कि दोनों साइडेज जो है इसकी वो ब्राउन हो जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही साइड हो। तो इसको पलट पलट के आपने बनाना है। उसके बाद आप देख लें कि काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट। ये मैंने 2 टोमेटोज लिए थे और उनका पेस्ट बनाया था। चॉपराइज़र में बना रहे हैं या फिर आप ग्राइंडर में बना लें, जैसा भी आपको लगता है सही वैसे बना रहे हैं। उसके बाद ये जो खबसा मसाला मैंने बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, वो डाल दिया मैंने इसमें। और एक फ्रेश लेमन, अब भी इसको मिक्स करें। क्योंकि पीसेस थोड़े बड़े हैं तो आपको थोड़ा चलाने में मसला होगा, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, आराम से हो जाएगा। अब मैं इसमें जो मैंने गाजरें रखी हुई थी लंबी लंबी काट के वो डालूंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। हर चीज़ आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, ऐसा ना हो कि आधी चीज़ों पे मसाला हो आधी पे ना हो, तो वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी आपने इतना लेना है जो जिसमें आपकी जो बोटियाँ हैं वो डिप हो जाएँ अच्छी तरह से, ज़्यादा भी ना लें क्योंकि बाद में आपने इसी पानी में चावल पकाने हैं। पहले हम इसी ये स्टॉक बना लेंगे इसी चिकन से, उसके बाद इस चिकन को हम निकाल लेंगे गला के, उसके बाद हमने इसी में ही चावल
जो है वो पकाने हैं। तो आप देखें कि थोड़ी बहुत डिप हो गई हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई लेकिन कह सकते हैं कि डिप हो गई हैं। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी अब और इसको पकने दूँगी। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं कि ये पक रहा है, तो अब मैं चेक करती हूँ कि ये अगर चिकन गल गया तो मैं उसे निकाल लूँगी। चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है, ठीक है, तो मैं इस चिकन को निकाल लेती हूँ, सबको, सारे पीसेस को। चिकन निकाल के मैं एक साइड पे रख लेती हूँ और ये जो हमारा पानी है जो कि एक किस्म का स्टॉक बन गया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि चावलों में थोड़ा नमक एक्स्ट्रा डलता है, जो बाकी आप हांडी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है नमक चावलों में, ठीक है। वो मैंने मिक्स किया नमक अच्छी तरह से, नहीं तो आपके चावल आधे फीके और आधे जो हैं वो ज़्यादा नमक वाले हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने भिगोए थे चावल उनको मैंने इस टोकरी उसको मैंने इसमें डाल दिए चावलों को, अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको मैं अब रख दूँगी पकने के लिए चावलों को। और अब आपने क्या करना है कि जो हमारी जो चिकन है उसको आपने इस तरह से चूल्हे पे किसी सीख पे लगा के या कोई आपके पास लंबी चीज़ है उस पे लगा के आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। यूजली लोग इसको ओवन में बनाते हैं लेकिन जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो किस तरह से बनाएं खबसा, वो इस तरह से बनाएंगे कि सीख वगैरह पर लगा के इसको इस तरह आप ब्राउन कर लें, ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे ओवन में करेंगे वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल टेस्ट भी डिफरेंट नहीं होगा, सेम टेस्ट आएगा। देख लिया मैंने काफ़ी ब्राउन कर लिया है, इस तरह से आपने सारे पीसीस को ब्राउन कर लेना है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि ब्लैक हो रहा है तो आप कम आंच पे, साथ साथ जो हमारे चावल हैं वो भी पक रहे हैं। अब चावल जो हैं वो हमारे पक चुके हैं और आप देख लें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, ऐसा ही कलर होता है खबसे का और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जो हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं उससे। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल एक डिफरेंट होता है बिरयानी वगैरह से और हम बिरयानी खा खा के तंग आ जाते हैं, तो उसके लिए ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये रेसिपी है पसंद आई होगी। अब आपने इसको डिश आउट करना है अपनी चिकन के साथ, उसके ऊपर मैं रेजिन्स डाल रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज़।